हेलो एवरीवन वेलकम टू पी डब्ल्यू आई आई टी जैम एंड सी एस आई यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है टारगेट आई आई टी जैम ट्वेंटी फ्री यूट्यूब सीरीज़ में आई एम योर मेंटर अंकिता एस त्रिपाठी आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स की जो सीरीज हम चला रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके कंटिन्यूएशन में आज हम इथाइलिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन साइटोकाइनन पढ़ लिया है आज हम इथाइलिन पढ़ेंगे इथाइलिन कैसा हार्मोन होता है उसका बायोसिंथेसिस क्या होता है और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं हम उसके उन सब के बारे में जानने वाले हैं उससे पहले हम स्लाइट क्या रिवीजन करेंगे हमने पिछले क्लास में साइटोकाइनन पढ़ा है तो हम साइटोकाइनन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और उनकी ब्रीफ में रिवीजन करेंगे और उसी के बाद हम इथाइलिन की शुरुआत करेंगे चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज मैंने आपसे क्या बोला पहले हम क्विकली रिवाइज करेंगे क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है ना हम इससे को रिलेट कर पाते हैं कैसे क्या फंक्शन उसने परफॉर्म किया था ये साइटोकाइन ने और उसके बाद आज जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे इथाइलिन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है हम उसके बारे में जानने वाले हैं बच्चों तो चलिए क्विकली हम स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन के रिविजन से साइटोकाइनिन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन साइटोकाइनिन का मतलब होता है ऐसे ऐसा हार्मोन जो प्रमोट क्या करता है प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को अब अगर हम साइटोकाइनिन के फंक्शंस की बात करें या फिर साइट ऑफ सिंथेसिस की भी बात करें तो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है हमने क्या देखा था साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम में रूट एपिकल मेरिस्टेम में या फिर आप बोल सकते हो रूट के एपिक्स में लेकिन फंक्शन कहां परफॉर्म करता है फंक्शन परफॉर्म करता है शूट डेवलपमेंट जो भी शूट एपिकल मेरिस्टम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका साइटोकाइनिन ठीक बच्चो, आप साइटो है बच्चों इसीलिए मैंने आपसे बोला था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ऑपोजिट होते हैं शूट में आपका शूट एपिकल मेरिस्टम में ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ फंक्शन उसका करा उसने रूट डेवलपमेंट में और वैसे ही साइटोकाइन आपके रूट एपेक्ट्स में सिंथेसाइज हुआ फंक्शन कर रहा है शूट डेवलपमेंट का तो एक तरीके से ऑपोजिट फंक्शन शो करते हैं ऑक्सीजन और साइटोकाइन जब शूट एपिकल मेरिस्टम में ये सिंथेसाइज हो गया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से जो जाइलम और फ्लोएम है वो इनका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली कहां पे सिंथेसाइज़ होता है उसकी बात कर ली

ठीक है तो आपने काइनेटिन भी पढ़ा जियाटिन भी पढ़ा फिर आपने आइसोपेंटिनाइल एडिनिन भी पढ़ा तो आपको यह चीज याद रखनी है बच्चों कि आपका साइटोकाइनिन में नेचुरल कौन सा है हमने बात की थी नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइनिन की नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइनिन कौन था जियाटिन आइसोपेंटिनाइल िन वहीं अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक साइटोकाइनिन आपका क्या होगा सिंथेटिक साइटोकाइनिन में आपका आएगा काईनितन. इन दोनों को किसने डिस्कवर आपका जियाटिन को किसने डिस्कवर किया था मिलर एंड लेथम ने डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कॉन किससे डिस्कवर किया था ये आइडेंटिफाई या डिस्कवर हुआ था या फिर आइसोलेट हुआ था फ्रॉम कॉन या फिर आप इसको बोल सकते हो मेज हेरिंग स्पर्म ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म से आपको क्या मिला था काइनेटिन मिला था तो ये दोनों आपके क्या हो गए बच्चों साइटोकाइनिन हो गए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा ठीक है तो अब हमने नैचुरली अक्रिंग बात कर ली हमने ये देख लिया कि इनका बायोसिंथिस पाथवे में ये एडिनिन के डेरेवेटिव होते हैं ये भी बात हो गई फिज्योलॉजिकल फंक्शन्स की कुछ बात कर लेते हैं उसके बाद हम इथाइलिन के इथाइलिन में आगे बढ़ेंगे बच्चों फिज्योलॉजिकल फंक्शन्स में हमने क्या पढ़ा था फिजियो लॉजिकल फंक्शन्स ऑफ साइटो काइन अब अगर हम साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन क्या था बच्चों इसका सबसे पहला फंक्शन था सेल डिवीजन का मैंने आपसे पहले भी बताया कि सेल डिवीजन का मतलब क्या है साइटोकाइनिन कहीं पे भी जहां पे साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो वहां पे सेल को डिवाइड करने पे सिग्नलिंग इस तरीके से इनिशिएट होगी कि साइटोकाइनिन विल प्रमोट सेल डिवीजन ताकि उस

मॉर्फोजेनिस अब मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है मैंने पिछली बार बताया था कभी भी मॉर्फोजेनेसिस होता है तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि कोई भी सेल हो गया कोई भी टिश्यू हो गया या कोई भी ऑर्गन हो गया उसको एक पर्टिकुलर शेप देना उसको एक पर्टिकुलर खाचे या शेप में डेवलप करना वो सारी चीजें होती है मॉर्फोजेनेसिस मॉर्फोजेनेसिस से ही आप शूटिंग रूटिंग कुछ भी चीज को प्रमोट कर सकते हो तो जब आप मॉर्फोजेनेसिस करते हो और आपने एक्स प्लांट जब एक्स प्लांट को इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दिया तो वो डेवलप होता है इनटू कैलस ठीक है एक कैलसिफ्रेंशियटेड मास हाँ बोल सकते हो बेसिकली क्या होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है कैलस क्या होता है बच्चों कैलस कैलस होता है अनडिफिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल तो कैलस क्या है अनडिफ्रेंशियटेड मास ऑफ सेल ये अनडिफ्रेंशियटेड मास ऑफ सेल कब प्रोड्यूस होगा जब आपके ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन वन बाई वन होगी तब आपका एक्स प्लांट क्या बना लेता है कैलस बना लेता है इसी कैलस में अगर हमने साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन को आगे रखा साइटोकाइनिन कंसेंट्रेशन हाई रखा तो आपका क्या होगा कंसेंट्रेशन हाई होने की वजह से आपका रूट फॉर्मेशन आपका होगा शूट फॉर्मेशन सिमिलरली अगर आपने साइड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को हाई रखा साइटोकाइनिन हाई रखा तो शूट फॉर्मेशन हुआ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को हाई रखोगे तो आपका रूट फॉर्मेशन होगा रूट फॉर्मेशन ठीक है तो ये चीज हमेशा याद रखना बच्चों मॉर्फोजेनेसिस में साइटोकाइनिन अगर कंसेंट्रेशन हाई तो शूट फॉर्मेशन और अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हाई तो आपका रूट फॉर्मेशन होता है अब इसकी बात करनी है हमें जैसे थर्ड फंक्शन तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी लिखा हुआ है दैट इज शूट फॉर्मेशन को प्रिवेंट प्रमोट करता है आपका साइटोकाइनिन। थर्ड फंक्शन आपका ये हो गया फोर्थ फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा थर्ड फंक्शन हो गया थर्ड फंक्शन के बाद हमारा जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज फोर्थ फंक्शन यहाँ पे क्या है मास ऑफ सेल फोर्थ फंक्शन में होता है क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन का मतलब क्या है जो भी आपके सीडलिंग है अगर उसको आप डार्क में ग्रो करते हो सनलाइट नहीं दे के ग्रो करते हो तो उसका जो प्रोटोप्लास्टिड है या प्रोप्लास्टिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्लोरोप्लास्ट ना बनके वो एटीओप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अच्छी है लाइट है तो साइटोकाइनिन क्या करता है साइटोकाइनिन आपके क्लोरोप्लास्ट को डेवलप जो इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट बना था जिसके पास ना क्लोरोफिल था उसको मेच्योर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते है जिसके पास क्लोरोफिल भी है और वो एक बहुत हेल्दी प्लांट में डेवलप होता है यूजिंग लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस अच्छे से कैरी आउट कर सकता है तो अच्छे से ग्रो करते हैं तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट का मैचुरेशन है उसको भी कौन प्रमोट करता है क्लोरोफिल प्रमोट करता है अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें बच्चों तो ये करते हैं डिले सेनेसेंस डिले सेनेसेंस का मतलब क्या है मैंने पिछली बार भी आपको बताया था डिले सेनिसेंस सेनिसेंस का मतलब क्या होता है सेनिसेंस का मतलब होता है आपका एनर्जी डिपेंडेंट एक प्रोसेस है एजिंग का एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको एटीपी रिक्वायर्ड होता है एटीपी की मदद से ये क्या करते हैं जो भी आपके हैं 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 या न्यूट्रिएंट्स है जो जा रहे होते टुवर्ड्स दैट साइड पे मोलिक्यूल हो रहा है उसको क्या करते हैं छोटे 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 सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स फिर से उस साइड पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जहां पर असल में उनकी जरूरत है क्योंकि जो चीज सेनेस की तरफ जा रही है एजिंग की तरफ जा रही है उसको अब अल्टीमेटली क्या होनी है उसकी तो सेल डेथ होनी है राइट right? तो वो वहां ना जाके यूटिलाइज करते हैं ऐसी जगह पे भेज के जहां पे असल में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वहां पे लेकिन जब साइटोकाइनियन की कंसेंट्रेशन अच्छी खासी होती है वो क्या करते हैं वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करवाते हैं जो क्या करे आपके न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन करे कहाँ पे वो साइट पे जहाँ पे सेनिसेंस हो रही है तो अब क्या होगा आपका जो सेनेसेंस वाला प्रोसेस है वो तो क्या कर रहा है वहां पे न्यूट्रिएंट्स को जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उनको तोड़ के भेज दे रहा है लेकिन साइटोकाइनिन की हाई कंसेंट्रेशन क्या कर रही है वो और न्यूट्रिएंट्स को धक्का मार मार के उसी साइड पे भेज रही है ताकि वो जहाँ पे सेनेसेंस हो रहा है उसका वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो जाए थोड़ा क्या हो जाए वो बिल्कुल मतलब थोड़ा धीरे धीरे स्लोली 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 आपका सेनेसेंस कैरी आउट हो रहा हो तो वो भी किसकी वजह से होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू साइटोकाइनिन तो हमारा ये दो प्रोसेस जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई आई टी जाम के पर्स्पेक्टिव से दैट इज ये ये वाले प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं से अब अच्छा खासे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट मार्क्स आप ले सकते हो अगर आपको स्टेटमेंट याद है तब ठीक है तो हमारा क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन हो गया डिले भी हो गया तो ये चार मेन मेन फंक्शन से जो हमारे साइटोकाइन वो करता है परफॉर्म करता है फिफ्थ हो गया सिक्स हमारा फंक्शन एक और होता है दैट इज ये क्या करता है इनहिबिट करता है इनहिबिट एपिकल

इस तरीके क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो शूट आपके एपिकल डोमिनेंस मतलब यहां से ही आपकी फ्लावरिंग हो यहां ऐसे ही ग्रो हो वो को प्रमोट करता है लेकिन लैटरल फॉर्मेशन को मतलब इस तरीके से ब्रांचेस ना हो गई उसको भी इंश्योर करता है बट क्या हुआ अगर हमने एपिकल डोमिनेंस को हटाना है तो हम एपिक्स को कट कर देते एपिक्स कट कर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन खत्म हो गई वहां पर अब क्या होगा अब होगा साइटोकाइन अपना रोल प्ले कर पाएगा और लैटरल फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकता है इसीलिए बोलते हैं दे इनहेबिट एपिकल डोमिनेंस और प्रमोट क्या करते हैं प्रमोट करते हैं लैटरल बड फॉर्मेशन एंड प्रमोट लैटरल बड फॉर्मेशन ठीक है तो ये कुछ फंक्शन थे बच्चों जो साइटोकाइनिन के थे इन पे से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आई आई टी में तो यूजअली जितने भी हमने हॉर्मोन्स तक पढ़े हैं ना उसमें आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लो को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से वो चीजें बैठ जाए चलिए अब मूविंग ऑन टू इथाइलीन अब हम मूव करते हैं बच्चों इथाइलिन इथाइलिन के बायोसिंथेसिस से पहले इथाइलिन के बारे में जान लेते हैं कि इथाइलिन असल में कैसा हार्मोन होता है इथाइलिन इथाइलिन क्या है बच्चों बेसिकली इसको हम एक स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्या बोलते हैं इथाइलिन को आप बोलते हो स्ट्रेस हार्मोन अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग इट स्ट्रेस हार्मोन इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलने के अलावा ये क्या है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जब भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है मान लो किसी भी टाइप का स्ट्रेस होना मतलब क्या है ड्रॉट है या फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है चिल कंडीशन है या फिर आप बोल सकते हो बहुत फ्लड आ गया है बहुत ज्यादा पानी आ गया है बाढ़ आ गई है या फिर पेड़ को किसी भी टाइप से वूंद लग गया है जैसे कोई चीज कोई वो मार रहा था दराती बोल सकते हैं या फिर औजार से किसी ने एक उसको मारा पेड़ को मारा तो क्रिएट हो गया जब wound भी क्रिएट हो जाए एक प्लांट में मैकेनिकल टाइप का कोई स्ट्रेस अगर प्लांट में मिले तो भी आपका क्या प्रोड्यूस होता है इथाइलिन प्रोड्यूस होता है ये सारी कंडीशन क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है उस केसेस में इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसीलिए इट इज नोन एज स्ट्रेस हॉर्मोन स्ट्रेस हार्मोन तो हो गया चलो क्यों बोलते हैं हमने वो देख लिया स्ट्रेस हार्मोन के अलावा बच्चों इथाइलिन क्या करता है इथाइलिन को बोला जाता है गैशियस हार्मोन इट इज अ गैश गैश हॉर्मोन अब गैशियस हॉर्मोन क्योंकि ये गैस है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज अ गैशियस हॉर्मोन गैस कोई भी चीज अगर गैशियस फॉर्म में होती है तो आप खुद ही से अपना दिमाग लगाइए कि कैशियस फॉर्म में अगर कोई चीज है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी बच्चों उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा मान लो या, एक साइट है जहां पे इथाइलिन प्रोड्यूस हो गया है अब इथालीन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है इस साइड से ए साइड से, से बी साइड पे तो आप कैसे करोगे उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर हार्मोन का नेचर है गैशियस नेचर कैसा है गैशियस है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इथाइलिन

जब भी गैस फॉर्म में कोई हार्मोन है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू डिफ्यूजन डिफ्यूजन के थ्रू क्या मूव करता है आपका जो इथाइलिन हार्मोन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है ये तो हमने देख लिया कि ये डिफ्यूजन की तरफ थ्रू मूव करता है लेकिन साइट ऑफ सिंथेसिस बेसिकली इथाइलिन किस साइट पर सिंथेसाइज होता है उसको देख लेते हैं बच्चों अगर हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें अगर हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो साइट ऑफ सिंथेसिस में आप क्या देख सकते हो जब हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं तो ऐसी जगह जहां पे पेन प्रोड्यूस होता है तो वो कैसे हो सकती है या तो वहां पे की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो आपकी क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये याद रखना बच्चों हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट किसको करता है इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन तो ऐसी जगह जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी वो एक्ट करेगी

जब कोई प्लांट जब कोई फ्रूट या कोई ऑर्गन सेनिसेंस की तरफ जाता है तब भी इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और जब कब मार्क होता है मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बोला था Senescence तब होता है जब फ्रूट की राइपनिंग होती है मतलब एक फल जब पकने जा रहा होता है देर इज एक सडन राइज होता है रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है राइट right? जब रेस्पिरेशन में एक सडन राइज होता है तो फ्रूट राइपनिंग की तरफ जाता है और राइपनिंग अगर जा रहा है फ्रूट राइपनिंग हो रही है उस कंडीशन में भी इथालिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत शूट करता है ठीक है तो हमने क्या बोला हमने बोला जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो कौन सी कौन सी हो सकती है सबसे पहले बात करें अगर साइट ऑफ सिंथेसिस की तो सबसे पहला साइट ऑफ सिंथेसिस आपकी कौन सी होती है बच्चों अगर हाई लेवल है किसके हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट करते हैं सिंथेसिस ऑफ इसके सिंथेसिस जो भी ऑर्गन जो भी पार्ट में ऑक्सीजन का लेवल हाई है वो क्या प्रमोट करेगा वो इथाइलिन के प्रोडक्शन या सिंथेसिस को प्रमोट करेगा सेकेंड अगर हम देखें सेकेंड हमारे पास होता है कंडीशंस सच एज कंडीशंस सच एज चिल रॉट फ्लड मैकेनिकल वूंड या फिर चिल हो गया ड्रॉट हो गया फ्लड हो गया मैकेनिकल एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो वो भी आपका क्या प्रमोट करती है स्ट्रेसफुल कंडीशन एक प्लांट में इथाइलिन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है सिंथेसाइज करने पे मजबूर कर देती है थर्ड पॉइंट कौन सा है थर्ड पॉइंट है कोई भी ऑर्गन जिसमें सेनिसेन्स हो रहा हो सेनिसेंस हो रहा हो या फिर जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होती है तब हर एक केस में आपका इथाइलिन की कंसंट्रेशन या इथाइलिन का सिंथेसिस इनिशिएट होता है और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है फिर बढ़ती है तो बच्चों हमने इथाइलिन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है अभी कि इथाइलिन को हम क्या बोलते हैं हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन क्यों क्योंकि ऐसे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है जैसे बहुत ठंडी पड़ गई गर्मी पड़ गई ड्रॉट हो गया फ्लड हो गया किसी टाइप की चोट लग गई है एक प्लांट में हर कंडीशन में आपके इथाइलिन का प्रोडक्शन शूट कर देता है कर जाता है ठीक है इसीलिए

जहां पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है वहां पे ये सिंथेसाइज होंगे जहां पे सेनेसेंस हो रहा है वहां ये सिंथेसाइज होंगे और जहां पे फ्रूट की राइपनिंग हो रही है वहां पे क्या होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं ये ऐसे फ्रूट्स हैं जहां पे एकदम सडन राइस होता है आपके रेस्पिरेशन में जिसके वजह से इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ज्यादा जा, होता है और एक फ्रूट एकदम से पक जाता है ठीक है बहुत जल्दी आपने देखा होगा कुछ थोड़ा सा कच्चा है एक दिन देखा दूसरे दिन बिल्कुल हाई हैविली राइपन हो जाता है वो किसके वजह से होता है ड्यू टू प्रोडक्शन पे ठीक है तो इथाइलिन के, तो के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं किसके लिए ताकि एक फ्रूट को जल्दी से पकाया जा सके तो ये था आपका मेजर इथाइलिन के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन फिर हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इन्ही इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही इन्हीं में से आते हैं तो आपको कितना केयरफुल रहना है ना हर एक स्टेटमेंट को मेमोराइज करने की कोशिश करो कि, कि किस तरीके से हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है चलिए अब अगर हम बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो सबसे दिमाग में एक ही चीज लाना हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ी थे अमाइनो एसिड हमने ऑक्सीजन का सिंथेसिस पढ़ा ऑक्सीजन के सिंथेसिस में हमने देखा कि देयर वॉज अमाइनो एसिड जिसको यूज करके हम ऑक्सीजन का सिंथेसिस कर रहे थे थ्रू इंडोल थ्री पायरविक एसिड पाथवे ऑक्सीजन में हमने क्या किया था ट्रिप्टोफेन लिया ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट किया आपके इंडोल थ्री एसिटिक एसिड में विद हेल्प ऑफ इंडोल थ्री पायरेविक एसिड में सबसे पहले कन्वर्ट होता है इसीलिए उसको हम बोलते हैं इंडोल थ्री पायरेविक एसिड पाथवे तो बस ट्रिप्टोफेन इंडोल थ्री पायरेविक एसिड पाथ एसिड हो गया एसिड से एसिटल हुआ एसिटेल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ दैट वॉज योर आई ए ए इंडोल थ्री एसिटिक इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जो कि एक नेचुरली अक्रिंग ऑक्सिन था शुरू किससे हुआ ट्रिप्टोफेन से ट्रिप्टोफेन क्या है अमाइनो एसिड है सिमिलरली इथाइलिन भी एक अमाइनो एसिड से ही सिंथेसाइज होता है और उस अमाइनो एसिड का क्या है इसका प्रिकर्सर क्या है बच्चों इसका प्रिकर्सर है अमाइनो एसिड िन इस पर भी क्वेश्चन आता है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आप जब भी नोट्स बनाओ तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि आपका इथाइलिन के प्रोडक्शन के लिए जो अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज मिथ्योनिंग अब मिथ्यूनिन पाथवे कैसे चलता है ये वाला सबसे पहले आपका मिथ्यूनिन कन्वर्ट होता है इंटू एडोमेट एडोमेट का मतलब क्या होता है ये है आपका एडिनोसिन मिथ्योन एस एडिनोसिन एस एडिनोसिन मिथ्योनिन एटोमेट कन्वर्ट होता है इनटू टू ए सी सी ये क्या है ये है वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिकसिड ये ए सीसी इन द विद हेल्प ऑफ ए सीसी ऑक्सीडेस फाइनली कन्वर्ट होता है आपके इथाइलिन में और किस एंजाइम की प्रेजेंस में यह कन्वर्ट होता है इथाइलिन में विद द हेल्प ऑफ ए सीसी ऑक्सीडेस एंजाइम यह कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एडोमेट सिंथेस एंजाइम एंजाइम ये वाला प्रोसेस एक बार एडोमेट एसीसी में कन्वर्ट हो गया इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप कैसा स्टेप है रेट लिमिटिंग स्टेप एक बार ये वाला प्रोसेस कैरी आउट हो गया फिर रिवर्स जाना पॉसिबल नहीं है तो रेट लिमिटिंग स्टेप आपका एडोमेट से एसीसी कन्वर्जन है हेल्प ऑफ एसीसी सिंथेस एंजाइम तो ये होता है बेसिकली आपका पाथवे दैट इज बायोसिंथेसिस ऑफ इथी हमारा किसका इथाइलिन इथाइलिन का बायोसिंथेसिस शुरू होता है एक अमाइनो एसिड से वो अमाइनो एसिड का नाम क्या है बच्चों उस अमाइनो एसिड का नाम है मिथ्योन मिथ्योन पहले कन्वर्ट होता है एडोमेट में एडोमेट मतलब एस एडिनोसिन मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है एस एडीनोसाइन मिथ्योन फर्दर कन्वर्ट होता है एसीसी में वन अमीनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये बेसिकली एसीसी फर्दर कन्वर्ट होता है फाइनली फाइनलीथाइलिन में जो हमारा मेन हार्मोन है विद द हेल्प ऑफ एसीसी ऑक्सीडेस एंजाइम तो ये एंजाइम्स हैं जिनकी मदद से मिथ्योन फाइनली इथाइलिन में कन्वर्ट होता है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है जहां पे एक बार यहां तक कन्वर्जन हो गया उसके बाद रिवर्ट जाना पॉसिबल नहीं है ठीक है आई होप आप आराम से इस चीज इस स्लाइड को बिल्कुल बेसिक आराम से देख लो और उसके बाद मुझे बताइए क्या ये चीज क्लियर है और अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ये है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलीन ये क्या है बच्चों दिस इज बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलीन चलिए अब हमें आगे क्या करना है जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका मिथ्योनिन

किसकी बात हो रही है सबसे पहले फंक्शन की बात हो रही है दैट इज ये प्रमोट करता है इथाइलिन क्या प्रमोट करता है प्रमोट करता है एप्सिशन अब एप्सिशन क्या होता है भैया है ना जब हम एप्सिशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज एप्सिशन एप्सिशन होता है फॉलिंग ऑफ ऑफ कोई भी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज आपने देखा कभी आपका जो पत्ता है अगर पत्ता सूख गया है बहुत ज्यादा तो वो अपने आप पेड़ में से निकल के गिर जाता है आपका फल है बहुत पक गया अपने आप निकल के गिर जाता है तो कोई भी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट फॉल्स ऑफ़ फ्रॉम द प्लांट बॉडी जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें से गिर जाए उसको हम बोलते हैं एप्सेशन हमेशा याद रखना बच्चों एप्सेशन क्या है इट इज द फॉलिंग ऑफ ऑफ एप्सिशन क्या है एप्सेशन है आपका फॉलिंग ऑफ any part that is leaves part या organ हाँ leaves हो सकते हैं fruits हो सकते हैं कोई श, leaf हो गए fruit हो गए shoots भी होते हैं but majority case में fruit और leaves ही होते हैं ठीक है तो उसका falling off from tree जब उनका बेसिकली टाइम हो जाता है उसको बोलते हैं एप्सेशन ठीक है तो एप्सेशन कभी भी कोई बोले कि एप्सेशन क्या होता है एप्सेशन होता है जस्ट आपका लीफ है सूखा हो गया गिर गया पिटियोल है फ्लार है फ्लार का भी गिरना ठीक है फ्रूट्स हो गए फ्लावर हो गए इन सब का फॉलिंग ऑफ फ्रॉम अ प्लांट मेन बॉडी इज नोन एज अब एप्सन को कौन प्रमोट करता है प्रमोट करता है हमेशा एक चीज याद रखना है बच्चों हमने क्या बोला ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन किसको प्रमोट कर रही को, को प्रमोट करती है इथाइलिन के फॉर्मेशन को इथाइलिन के सिंथेसिस को प्रमोट करती है ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन लेकिन एक चीज और होती है कि ऑक्सीजन आपका क्या करता है ऑक्सीजन आपके इसी प्रोसेस को जो ये प्रोसेस है एप्सेशन का ऑक्सीजन डिलीट करता है ऑक्सीजन औग, डिलेज या फिर डिले भी ना बोले तो ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है बेसिकली आपके प्रिवेंस एप्सिशन को एप्सिशन को प्रिवेंट करता है अब मैंने क्या बोला हम कहा नोट कर रहे हैं हम नोट करें कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जब हाई होती है तो वो इथाइलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है चलो ठीक है इसने इतना काम कर दिया लेकिन वो जगह कोई भी ऑर्गन कोई भी प्लेस कोई भी साइट एक प्लांट की जहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है वहां पे इथाइलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता जब तक ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन उस रीजन में हाई रहेगी तब तक इथाइलिन की जो इथाइलिन से एक्टिवेटेड जो भी एंजाइम्स है वो उस रीजन में एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे जिसके वजह से मैंने क्या लिखा कि ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है एप्सिशन को ऑक्सीजन क्या करता है एक एप्सिशन जोन क्रिएट करके रख देता है कोई भी

फूल गिर गया, कोई फ्रूट है वो गिर गया तो इस तरीके से एप्सेशन होता है फिर से समझाती हूँ बच्चों क्या करता है इथाइलिन इथाइलिन प्रमोट करता है आपके एप्सेशन को प्रमोट एप्सेशन मतलब कोई भी आपका जो ऑर्गन है उसको प्लांट की मेन बॉडी से गिराने का काम होता है एप्सेशन अब अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन उस रीजन में जहां पे, होना है, वहां पे हाई है तो ऑक्सीजन तो मतलब इथाइलिन की वजह से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है लेकिन ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे, धीरे विथ टाइम डाउन होती है जैसे वो डाउन होती है अब उनपे इथाइलिन का फर्क पड़ने लगता है एप्सिशन जोन में प्रेजेंट सेल्स पे का फर्क पड़ता है और अब क्या होता है एप्सिशन होता है और एप्सिशन होगा तो ये सारी चीजें होंगी ठीक है तो दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दैट इज दिसलिन प्रमोट्स एप्सिशन अब प्रमोट्स एप्सिशन तो हमने देख लिया सेकंड फंक्शन क्या है इथाइलिन फ्लारिंग को भी प्रमोट करता है फ्लारिंग को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है अगर हम यहां देखें सेकेंड क्या है इथाइलिन फ्लारिंग क्या करता है इथाइलिन प्रमोट करता है फ्लारिंग प्रमोट फ्लारिंग का मतलब क्या होता है ये मोनोशियस हो गए या डायोशियस फ्लावर जो होते हैं या प्लांट होते हैं उनको उनके फॉर्मेशन में बहुत मतलब हेल्प करता है हेल्प कैसे करेगा ये जैसे फ्रूट राइपनिंग में इसकी कंसेंट्रेशन जहां पे ज्यादा हाई हुई तो ये डिफरेंट टाइप्स के आ, प्लांट को या फिर फ्लारिंग को फ्लारिंग मतलब जैसे एक प्लांट है एक प्लांट में फ्लार, है, फ्लार में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और एक प्लांट है स्टेमिनेट ही, ही है या फिर पिस्टिलेट भी है इस तरीके के फ्लार डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है अगर इथाइलिन की कंसेंट्रेशन हाई है मोनोशियस डायोशियस फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है तो इसीलिए हम बोलते हैं इथाइलिन क्या करता है बच्चों थाइलैंड प्रमोट करता है फ्लारिंग को ठीक है फॉर्मेशन ऑफ अगर मैं लिखू इथाइलिन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मोनोशिस और डायोशिस प्लान या फिर हम बोल सकते हैं और स्टेमिनेट इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो ठीक है तो इथाइलिन प्रमोट क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ मोनोशियस या डायोशियस प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स को डेवलप करने में भी क्या करता है इथाइलिन की हाई कंसंट्रेशन हुई तो ये चीज प्रमोट ही करेगी इसके फॉर्मेशन को चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड आपका जो फंक्शन होता है इथाइलिन परफॉर्म करता है दैट इज एपिनेस्टी अब एपिनेस्टी क्या होती है इथाइलिन प्रमोट्स प्रमोट्स एपीनेस्टी एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चों यूजुअली आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है लीफ है ठीक है लीफ है इथाइलिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो रही है जब इथाइलिन की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो लीफ आपका क्या करता है लीफ का जो अपर पोर्शन होता है वो ग्रोथ करता है मतलब वो क्या ना बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा जल्दी ग्रो करने के चक्कर में क्या होता है अपर पोर्शन जल्दी ग्रो करने से इस तरीके से एक सेल इन वर्ड्स की तरफ कर्वेचर ले लेता है या बेंड करता है बेंड करने के बाद अंदर की तरफ कर्वेचर ले लेता है इसको बोलते हैं एपिनेस्टी मैंने क्या बोला बच्चों इथाइलिन प्रमोट करता है एपिनेस्टी व्हाट इज एपिनेस्टी सम टाइम व्हाट हैपेंस आपका जो लीफ है आपके लीफ का जो अपर पार्ट होता है अपर पार्ट की जो अपर सरफेस है वो क्या करती है इट ग्रोस फास्टर इन कंपैरिजन टू द लोअर सरफेस अब ये ऊपर वाली सरफेस अगर फास्टर ग्रो करेगी नीचे वाली सरफेस फास्टर नहीं ग्रो करेगी तो प्लांट क्या करेगा अंदर की तरफ को बेंड होने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ बेंड होके एक इनवर्ट इन, का कर्वेचर ले, ले लेगा इस तरीके से बेंडिंग शो करेगा जिसको हम बोलते हैं एपिनेस्टी जैसे अगर हम यहां पे लीफ को देखें ये है मेरी लीफ ठीक है ये ऐसी लीफ थी मेरी अब ये लीफ में क्या हुआ इसके अपर पोर्शन ये वाला अपर पोर्शन हो गया ये इसके पीछे वाला साइड लोअर पोर्शन हो गया ये अपर पोर्शन क्या कर रहा है ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है अब अगर ये जल्दी 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 ग्रो करेगा तो प्लांट क्या करेगा प्लांट इस तरीके से इनवर्ड करवेचर लेने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ को तो इस तरीके से कर्वेचर को प्लांट के अंदर त, अंदर की तरफ को मूव करने को हम बोलते हैं एपिनास्टी तो वॉट हैपन्स मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूं ताकि आप लोगों को इजीली याद रहे बच्चों इथालियन प्रमोट एपिनेस्टी वेन द अपर सरफेस of a leaf grows faster than lower surface the lower region, the it bends inwardly. दिस इज नोन एज एपी ने इसको हम क्या बोलते हैं ये क्या हो रहा है आप देख रहे हो एपी नेस्टी की वजह से इन वर्ड बेंडिंग हो रही है इसको कहा जाता है स्टीन इसको क्या कहा जाता है बच्चों तो हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने पहली फंक्शन पढ़ा कि आपका जो इथाइलिन होता है वो फ्लारिंग को तो प्रमोट करता ही करता है एपीनास्टी भी कॉज करता है प्लस एप्सन को प्रमोट करता है अब ऑक्सिन आपके अगर मैच द फॉलोइंग में आया कि ऑक्सिन क्या करता है तो ऑक्सिन आपको पता है एप्सेशन को रोकता है सिमिलरली इथाइलिन क्या करता है एप्सेशन को प्रमोट करता है सेम चीज है आपका साइटोकाइनिन सेनिसेस को डिले करता है इथाइलिन क्या करता है सेनेसेंस को प्रमोट करता है तो यूजुअली जो भी नेगेटिव फीचर्स होते हैं ना जैसे एप्सेशन हो गया सेनेसेंस हो गया उन सबको प्रमोट करने का काम इथाइलिन कर रहा है ऑक्सीजन आपका एप्सेशन को रोक रहा है साइटोकाइन uh, आपका सेनेसेंस को रोक रहा है या फिर क्या बोल सकते हो डिले कर रहा है तो इस तरीके से को रिलेट करके आपको पढ़ना है बच्चों को रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको ये पूरा समझना चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन था नेक्स्ट हमारा फंक्शन था ये हेल्प करता है इन रूटिंग अब रूटिंग के लिए क्या जब भी आपका इथाइलिन की कंसेंट्रेशन हाई होती है बच्चों इथाइलिन की कंसेंट्रेशन जब भी हाई होती है आपकी तब रूटिंग प्रमोट होती है तो चलिए लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट इथाइलिन क्या प्रमोट करता है इथाइलिन प्रमोट्स रूटिंग रूटिंग मतलब जो आपका इथाइलिन है वो आपके रूट फॉर्मेशन को भी हेल्प करता है प्लस आपके जो रूट हेयर्स होते हैं उसके भी फॉर्मेशन को या उसके डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है आपने क्या देखा था आपने ऑक्सीजन के बारे में देखा था राइट ऑक्सीजन क्या कर रहा था ऑक्सीजन हमारे एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को हेल्प कर रहा था या फिर आपका जो लेटरल रूट फॉर्मेशन है उसको उसके फॉर्मेशन या उसके डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा था अगर इथाइलिन की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो इथाइलिन जो आपका प्राइमरी रूट है या मेन रूट है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसकी कंसेंट्रेशन अगर अच्छी खासी है और प्लस जो रूट हेयर फॉर्मेशन होता है उनको भी हेल्प करता है उसके डेवलपमेंट के लिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं बच्चों इथाइलिन क्या करता है इथाइलिन प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन एंड ऑल्सो रूट है डेवलपमेंट सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो इथाइलिन ने क्या, क्या कर दिया? ने आपका, किया, ने आपका फ्लारिंग प्रमोट की आपका करता है, आपका रूट डेवलपमेंट करता, करता है तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों और पांचवा पॉइंट अगर हम यहां लिख लें तो इथाइलिन क्या करता है इथाइलिन आपका सेनिस प्रमोट करता है इथाइलिन प्रमोटेंस

उस साइड पे जाए लेके जाया जाता है जहां पे ग्रोथ हो रही होती है और इस तरीके के प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स का सिंथेसिस मैंने बोला कि कोई प्रमोट करता है वो कौन होता है दैट इज ही वो हार्मोन है जो सेनेसेंस के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स को प्रमोट करता है प्रोड्यूस करता है उनको उनके सिंथेसिस को प्र... वो क्या करता है रेगुलेट करता है जिसकी वजह से सेनेसेंस होता है तो सेनेसेंस क्या है? है आपका एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस डिपेंडेंट प्रोसेस चलिए अब हमारा एथाइलीन प्रमोट्स सेनिसेंस भी हो गया आपके पास आ गया नेक्स्ट एथाइलीन क्या करता है ट्रिपल रिस्पांस शो करता है व्हाट इज ट्रिपल रिस्पांस ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एथाइलीन का एथाइलीन प्रमोट्स ट्रिपल रिस्पांस अब एथाइलीन अगर अभी आपके क्वेश्चन कैसा आएगा अब आप सोचोगे क्वेश्चन कैसा आ सकता है एथाइलीन से आपके इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा होगा विच हॉर्मोन प्रमोट विच हॉर्मोन इज रिले हॉर्मोन इज रिलेटेड टू ट्रिपल रिस्पॉन्स तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या होना चाहिए बच्चों आपका आंसर होना चाहिए इथाइलीन इथाइलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपल रिस्पॉन्स अब ट्रिपल रिस्पॉन्स है ट्रिपल मतलब तीन ट्रिपल का मतलब क्या है तीन तीन तरीके के शो करेगा इसके वजह से होते हैं किसके वजह से, के से तीन आते हैं। वो तीनों के तीनों कभी गलती मत करना बच्चों तीनों रिस्पॉन्स ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब है, की हाँ, ट्रिपल दिखेगा ट्रिपल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू स्टेम अब स्टेम के कौन से वो तीन फीचर्स हैं जो करता है फर्स्ट फीचर हो गया स्टेम की जो एलोंगेशन है स्टेम के एलोंगेशन को इनहिबिट करता है स्टेम एलोंगेशन इनहिबिट करता है ठीक है स्टेम को स्टेम की जो थिकनेस होती है स्टेम थिकनेस को प्रमोट करता है थिकनेस को प्रमोट करता है और तीसरा क्या है तीसरा है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हैबिट को प्रमोट करता है ग्रोथ हैबिट को प्रमोट करता है किसको प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हैबिट तो मैंने आपसे क्या बोला इथाइलिन इज रिलेटेड टू ट्रिपल रिस्पॉन्स ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब है आपका तीन तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं स्टेम से रिलेटेड वो कौन से कौन से कोई भी स्टेम आपकी हॉरिजॉन्टली नहीं ग्रो करे मतलब एलोंगेशन के इस तरीके से एलोंगेट नहीं होगी हॉरिजोंटली ग्रो करेगी मतलब इस तरीके से अगर क्रीपर फॉर्म की ग्रास है इस तरीके से इसको बोलते हैं यहां 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 यह हमारा प्लांट है इस तरीके से ये ग्रो कर रही है इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हैबिट है उसको प्रमोट करता है इथलिन एलोंगेशन अगर इस तरीके से लंबा होना है आपके प्लांट को तो इसको नहीं प्रमोट करता है elongation को प्रमोट नहीं करता हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हैबिट को प्रमोट करता है प्लस इस तरीके से थिकनेस में बढ़ाता है मतलब आपकी स्टेम चौड़ी करेगा ऐसे थिकनेस में बढ़ाएगा ठीक है ये तीन तरीके के ट्रिपल रिस्पोंस शो करता है आपका एथिलीन हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों हो सकता है आपके क्वेश्चन जब एथिलीन के ट्रिपल रिस्पोंस पे क्वेश्चन आए तो हो सकता है इन तीनों में ये तीन ऑप्शन हो प्लस अलॉन्ग विद कोई रूट के लिए बोला गया है कोई प्रमो किसके लिए फ्रूट के लिए बोला जाए लेकिन वो सारी कंडीशन ट्रिपल रिस्पॉन्स के केस में नहीं होती अगर के ट्रिपल से रिलेटेड कौन से कौन से फीचर्स होते हैं पे क्वेश्चन आए तो ये स्टेम से रिलेटेड ही होंगे जो फीचर्स होंगे इसके अलावा कोई चौथा फीचर अगर फ्रूट से रिलेटेड है फ्लावर से रिलेटेड है रूट से रिलेटेड है वो ही ऑप्शन आपका गलत होगा ये तीनों सही हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों होते हैं जो ट्रिपल रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं

उसको तो बहुत ज्यादा राइज कर दिया जाता है एकदम से अगर वो शूट करेगा का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जिसके वजह वजह से 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 एकदम एकदम आपका, मतलब बोल सकते सकते हो, हो या फिर simultaneously इस चीज़ को कर सकते हो, आप कि जब रेस्पिरेशन राइस होता है, इन रेस्पिरेशन रेट आपका फ्रूट क्या होता है एकदम से पक जाता है और इथाइली का काम ही ये होता है तो क्या करता है इन फ्रूट राइपनिंग किसमें हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग जब देर इज सडन राइज इन रेस्पिरेशन रेट जिसके वजह से एक फ्रूट क्या होता है राइपन कर जाता है ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाना देखा होगा एकदम से पकता है गुआवा देखा होगा एकदम से पकता है ये सारी चीजें क्या है ना थोड़ी देर रखा पक गया ऐसे होते हैं ना तो उन सबको हम क्या बोलते हैं इसमें बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आपका बनाना का होता है बच्चों बहुत एकदम से पकता है बनाना तो इसीलिए हमने क्या बोला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आपके फ्रूट राइपनिंग के लिए ये हो गया हमारा और मैंने ये लिख भी देती हूं वेन देयर इज सडन राइज इन वेन देयर इज सडन राइज Inpiration. तो ये चीज क्या करती है ये सारी चीज आपकी हेल्प करती है रूट के राइपनिंग में ठीक है जिन हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स भी बोलते हैं तो ये क्या था बच्चों दिस वाज इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अब क्विकली एक बार हम सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं हां हमने कैसे स्टार्ट किया बच्चों बस थोड़ा पांच मिनट लगेंगे हमें क्विकली इन सब चीजों को रिवाइज करने के लिए हमने क्या बोला इथाइलिन क्या है इथाइलिन बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है इसे स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसी टाइम पे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हारमोन बोलते हैं और सेकेंडली ये किस टाइप का हारमोन है ये एक गैशियस हॉर्मोन है गैशस हारमोन है इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू डिफ्यूजन एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा एक जगह

होती है इथाइल और फ्रूट की राइपनिंग होती ही इथाइलिन के राइज की वजह से है तो ये सारी चीजें होती है जो प्रमोट करती है सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन फिर अगर हम देखें इथाइलीन का बायोसिंथेसिस तो कौन सा प्रिकर्सर है अमाइनो एसिड एज अ प्रिकर्सर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कौन से ऐसे हॉर्मोन्स है, है तो आंसर में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन और और आपका आ जाएगा, जाएगा. क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ट्रिप्टोफेन आपके जो इथाइलीन है उसके लिए मिथ्योन अब मिथ्योनिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एडोमेट में विद द हेल्प ऑफ एडोमेट सिंथीस एंजाइम फिर एडोमेट कन्वर्ट होता है एसीसी में विद द हेल्प ऑफ एसीसी सिंथीस एंजाइम फिर एसी सी कन्वर्ट होता है इथाइलिन में विद हेल्प ऑफ दीसी ऑक्सीडेज यहां पे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा हो गया एडोमेट का एसीसी में कन्वर्शन आपका रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की ये उतना ही पोर्शन है जितना आपको आईआईटी आई जैम के लिए रिक्वायर्ड है बिल्कुल फोकस होके जितना पढ़ना है बच्चों उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे शो की गई है क्वेश्चन इतने से ही आता है कोशिश करना कि आप डिफरेंट टाइप से इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अच्छे से मेमोराइज कर सको तो हमने जब फंक्शंस की बात की तो फंक्शंस में हमारा क्या लिखा है कि प्रमोट करता है एप्सेशन को तो प्रमोट एप्सिशन कौन करता है इथाइलिन करता है लेकिन वहीं अगर डिले करते या हम बोलते प्रिवेंट प्रिवेंट करना है आपको एप्सेशन को प्रिवेंट करना है, तो कौन करेगा? को प्रिवेंट करने के लिए हो जाता है कौन सा हॉर्मोन ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है एप्सेशन को फिर आता है फ्लारिंग को इथाइलिन मोनोशियस डायोशियस टाइप ऑफ जो फ्लावर्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनके डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है एपिनेस्टी एपिनेस्टी का मतलब होता है जब आपका लीफ है उसके अपर सरफेस की ग्रोथ इज फास्टर इन कंपैरिजन टू लोअर सरफेस तब हम उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एपिनेस्टी और इथाइलिन यूजुअली एक इस तरीके से बेंडिंग कर्वेचर टाइप इस तरीके से बेंड हो जाता है उसको प्रमोट करता है दैट इज नोन एज एपिनेस्टी रूटिंग को प्रमोट करता है मैंने आपसे बोल दिया रूटिंग कैसे प्राइमरी रूट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा सेकेंडरी आपका जो रूट हेयर फॉर्मेशन है उसको भी प्रमोट करता है और रूटिंग के बाद हमारा कौन सा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ है दैट इज सेनीसेंस हमने बोला था से तो सेनीसेंस कौन कौन प्रमोट करता है इथाइलिन तो सेनीसेंस प्रमोट करता ही करता है इसके अलावा अनदरस जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है दूसरा स्ट्रेस हार्मोन हमारा कौन सा हुआ दूसरा स्ट्रेस हार्मोन है हमारा एप्साइसिक एसिड एपसाइसिक एसिड भी क्या करता है सेनीसेंस को प्रमोट करता है क्योंकि वो एक वाटर स्ट्रेस हार्मोन है वो भी सेनीसेंस नहीं मैंने आपको पिछले बार भी बताया था स्टोमाटा की क्लोजिंग को भी प्रमोट करता है क्योंकि एप्साइसिक एसिड को आप क्या कहते हो वाटर स्ट्रेस हार्मोन और वाटर स्ट्रेस हार्मोन का काम क्या होता है वाटर के लॉस को प्लांट में से प्रिवेंट करना तो वाटर लॉस किस कहाँ से होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो बस स्टोमाटो की ओपनिंग होने की वजह से ही तो लॉस ऑफ वाटर होता है तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कौन करता है लॉस होने से आपका एप्साइसिक एसिड इसीलिए आपने तभी मैं आपसे बोल रही थी कि इथाइलिन हो गया या एसिड हो गया दोनों ही को बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन लेकिन ये स्ट्रेस हार्मोन भी क्या करते हैं बच्चों ये स्ट्रेस हार्मोन का भी काम ये चीज होता है कि वो किस तरीके से प्लांट को और ज्यादा खतरा और ज्यादा स्ट्रेस से प्रिवेंट कर सके ठीक है लास्ट हमारा क्या है ट्रिपल रिस्पॉन्स मैंने आपसे बोल दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स पे डेफिनेटली इथाइलीन है तो दो चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एक होता है प्रिकर्सर क्या है मिथ्योन है अमाइनो एसिड है दूसरा आता है इसका फंक्शन कौन सा हॉर्मोन फ्रूट राइपनिंग कॉज करता है आपको पता है इथाइलिन कॉज करता है कौन सा हार्मोन ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है आपको पता है इथाइलिन करता है का काम क्या होता है बच्चों इथाइलिन का काम होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स में स्टेम से रिलेटेड फीचर्स को प्रमोट करना कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेम से रिलेटेड होती है स्टेम की थिकनिंग बढ़ाएगा थिकनेस को बढ़ाएगा एलोंगेशन को इनहेबिट करेगा और हॉरिजोंटल ग्रोथ हैबिट को मतलब इस तरीके से हॉरिजोंटली एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा ठीक है तो ये तीन फंक्शन आपके ट्रिपल रिस्पॉन्स कहलाते हैं अब इनके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये सारे फंक्शंस है बच्चों इनको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना आई होप आपको इथाइलिन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इथाइन हमारे पास अभी तक हमने जितने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं वो कौन से कौन से हो गए ऑक्सीजन हो गया साइटोकाइनिन हो गया और इथाइलिन हम पढ़ चुके हैं अब इथाइलिन के बाद हमें पढ़ना है साइसिक एसिड और जिब्रिलिक और ग्रि एसिड तो इन दो को हम पढ़ने के बाद मेजर हमारा जो प्लांट हार्मोन्स के रिलेटेड प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा बच्चों अच्छे से आपको समझ में आया होगा पढ़ते रहिए आप को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि ये चीज हुई तो ये कैसे हुई और इससे ज्यादा आप इतने ये चीज़ जितना आपने अभी पढ़ा है उतना आप समझ लोगे उतना याद कर लोगे तो आपको एक एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी एक एग्जाम से ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी टी आई एफ आर हो गया गैट बी हो गया गेट हो गया या फिर आपका आई आई टी जाम हो गया सभी में प्लांट हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना बच्चों थैंक यू सो मच